एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ चलते हुए एक गांव में पहुंच आए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए गांव में रहने का निर्णय किया। महात्मा बुद्ध के गांव में कुछ दिन रुकने की सूचना गांव में जैसे आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गांव में आए हैं। गांव के सभी लोग बुद्ध को देखने के लिए आने लगे और वे अपनी सभी समस्याओं का समाधान उनसे पूछने लगे। महात्मा गौतम बुद्ध भी उन्हें उनकी समस्याओं के समाधान दे रहे थे। इसी बीच एक ग्रामीण व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से यह कहा कि हे भगवन, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और हम सभी इस बात के लिए ईश्वर और इस प्रकृति का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने हमें यह सब कुछ दिया है। परंतु हमारे गांव में एक व्यक्ति रहता है जो कि बहुत निर्धन है, परंतु वह कोई भी काम नहीं करता और हर पल अपनी गरीबी के लिए, निर्धनता के लिए ईश्वर को दोष देता रहता है। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे ईश्वर ने इस तरह का बुरा जीवन दिया है। इसी कारण वो व्यक्ति हमेशा ईश्वर को कोसता रहता है और उन्हें गालियां देता रहता है, और यदि हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह व्यक्ति हमें भी गालियां देना शुरू कर देता है। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है बुद्ध कि हम क्या करें। इस बात को सुनने के बाद महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उन गांव वालों को कहते हैं कि आप लोग कृपा करके एक बार उस व्यक्ति को मेरे पास लेकर आइए। तभी एक ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, हे तथागत बुद्ध, वह व्यक्ति बहुत कठोर किस्म का है। वो आपको गालियां भी दे सकता है, वो आपका अपमान भी कर सकता है, और हम सभी गांववासी उसे आपका अपमान करते हुए नहीं देख सकते। इसलिए बुद्ध, उस व्यक्ति को यहाँ पर बुलाना हमें तो उचित नहीं लगता है। महात्मा बुद्ध पुनः उन गांव वासियों को समझाते हुए कहते हैं कि आप सभी चिंता मत कीजिए, बस उस व्यक्ति को यहाँ लेकर आओ, और हाँ, उससे यह कह देना कि गौतम बुद्ध तुम्हारी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। तब सभी गांववासी महात्मा बुद्ध की आज्ञा के अनुसार उस गरीब व्यक्ति को लेने उसके घर चले जाते हैं। बुद्ध का नाम सुनते ही उस व्यक्ति ने उन सभी को मना कर दिया और यह कहा कि मुझे बुद्ध से नहीं मिलना है, वो एक पाखंडी हैं, वे सभी नकली हैं, उनके भिक्षु और वो सभी झूठे हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी एक ग्रामीण ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा कि सुनो भाई, गौतम बुद्ध तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं और उन्होंने यह बात हमें तुम्हें बताने को कही है, इसलिए बस एक बार हमारे साथ चलो। ग्रामीणों की बात सुनने के पश्चात व्यक्ति बुद्ध के पास जाने को तैयार हो जाता है। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को देखता रहा और कहता है कि बुद्ध, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आप मुझे यह बताना चाहते हैं कि मैं उस ईश्वर को इतनी गालियाँ ना दूं जिसने कि मुझे इतना गरीब बनाया है? जो उन्होंने मुझे दिया है वही मैं उन्हें दे रहा हूँ। उन्होंने मुझे इतना बेकार शरीर क्यों दिया? लेकिन शरीर के लिए धन की भी तो आवश्यकता होती है ना? ईश्वर ने मुझे धन क्यों नहीं दिया? मैं इस बेकार के शरीर के साथ आखिर क्या करूं? यदि आप मेरी पैसे की समस्या को हल कर सकते हो तो यह तो ठीक है, अन्यथा आप इस गांव से तत्काल चले जाइए, क्योंकि मुझे किसी पर भी तनिक भी भरोसा नहीं है। उस व्यक्ति की पूरी बात सुनने के बाद गौतम बुद्ध तनिक भी क्रोधित नहीं हुए और आगे बुद्ध अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं
कि मेरे मित्र, मैं ना तो तुम्हें ईश्वर में विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ और ना ही तुम्हें उस पर विश्वास ना करने के लिए कह रहा हूँ। किसी व्यक्ति के सुख दुख का कारण उसका अपना कर्म होता है, इसलिए यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो किसी और को कोसने के बजाय खुद से प्रश्न करें और तब आपकी पैसे आदि की समस्या स्वयं ही हल हो जाएगी। महात्मा गौतम बुद्ध की बातें सुनने के बाद वह गरीब व्यक्ति और भी अधिक गुस्सा हो जाता है और महात्मा बुद्ध को बुरा भला कहने लगता है। आगे वह कहता है कि मुझे आपके व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे एक पाखंडी की तरह नजर आ रहे हो। मैं यहाँ केवल पैसे की समस्या के समाधान की उम्मीद से आया था, लेकिन आप मुझे फालतू की बातें ना बताएं। मुझे आपके प्रवचन को सुनने में कोई रुचि नहीं है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने देखा कि यह व्यक्ति उनकी बातों का अर्थ ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहा है। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक उदाहरण के माध्यम से यह बात समझाने का प्रयास किया कि देखो मित्र, मेरे पास पैसे नहीं हैं और ना ही मुझे धन की कोई आवश्यकता है, परंतु यदि तुम अपनी दोनों आंखें राजा के अंधे बेटे को दे दो तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के जरूर देगा और फिर तुम उस धन से अपना जीवन यापन कर सकते हो। तब क्रोधित होकर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे अपनी आंखें देनी होगी? भला मैं अपनी आंखें किसी को क्यों दूं? आगे व्यक्ति कहता है कि हाँ, मुझे धन की आवश्यकता है, परंतु इसका ये अर्थ तो नहीं है कि मैं अपनी आंखें किसी को दे दूं। यदि मेरे पास आंखें नहीं होंगी तो मैं पैसे का क्या करूंगा भला? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, यदि दोनों आंखें नहीं दे सकते तो कम से कम एक आंख तो दे ही सकते हो। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारी एक आंख के बदले भी मैं तुम्हें राजा से धन दिला सकता हूँ। तब वह गरीब व्यक्ति इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने गौतम बुद्ध को पागल कहते हुए कहा कि मैं सोने के सिक्के के बदले भी अपनी एक आंख भी किसी को नहीं दूंगा। मेरी आंखें अनमोल हैं, मैं अपनी कीमती आंखें कैसे बेच सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने कहा कि यदि तुम्हें बदले में धन चाहिए, दौलत चाहिए, तो राजा को कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है कि मेरी आंखें अनमोल हैं बुद्ध, आप कृपया करके इस बात को यहीं छोड़ दें, मुझे पैसे आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें किसी को भी नहीं बेचूंगा। यह बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, अभी कुछ देर पहले तो आप अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, परंतु अब आप यह कह रहे हैं कि आपकी आंखें कीमती और अनमोल हैं। आपकी आंखें आपके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा हैं। यदि आपकी आंखें अनमोल हैं, तो आपका शरीर बेकार कैसे हो सकता है? गौतम बुद्ध की बातों में बड़ी गहराई थी, इसीलिए गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वो बुद्ध के पैरों में गिरकर रोने लगा। तब गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को उठाया और कहा, प्रिय मित्र, प्रकृति ने हम सभी को यह अनमोल शरीर दिया है, लेकिन अधिकांश लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और सदैव खुद को और प्रकृति को कोसते रहते हैं। कुछ समय पहले तुम भी यही सोच रहे थे कि शरीर बेकार है, लेकिन अब आप यह सोच रहे हो कि अमूल्य वास्तव में मनुष्य को जो कुछ भी मुफ्त में मिलता है वे उनकी कीमत समझ ही नहीं पाते। इसीलिए हमें प्रकृति का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें यह अनमोल शरीर दिया है जो सभी जीवित प्राणियों में सबसे अच्छा है। अब उस निर्धन व्यक्ति को
गौतम बुद्ध की सारी बातें समझ में आ गई थीं और उसने गौतम बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं यह जान चुका हूँ कि मेरी सोच ही गलत थी, नहीं तो प्रकृति ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है जिसका कि मैं प्रयोग कर सकता हूँ। अब मेरी सोच पूर्णतः बदल चुकी है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया। तो ये थी गौतम बुद्ध और एक निर्धन व्यक्ति की कहानी। लेकिन इस कहानी से हम सभी को एक बड़ी सीख मिलती है कि हमें खुद को कोसने के बजाय इस प्रकृति का धन्यवाद देना चाहिए कि जिसने आपको इतना सुंदर बनाया, ऐसा शरीर दिया। जरा एक बार उनके बारे में सोचिए जिनके पास की आंखें ही नहीं हैं, पैर नहीं हैं, परंतु फिर भी वो प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आपके पास तो आंखें भी हैं, आपके पास तो सब कुछ है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है उसे स्वयं को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए आपको प्रकृति का धन्यवाद देना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सभी ने इस कहानी के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखा होगा। दोस्तों, ऐसे ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अब ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।